नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग जो है सिद्ध करेंगे कि जो है अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो कि कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो है दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 जो है एक क्या है। तो अपरिमेय संख्या है। क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हॉल, और हॉल में क्या लिखेंगे? हॉल में लिखेंगे कि माना माना क्या माना कि अंडर रूट 5 एक जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या है मान लेते हैं हम लोग, और देखते हैं कि अपरिमेय होता है कि नहीं, ठीक है। तो चूंकि अब अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। अर्थात अंडर रूट 5 किसके बराबर होना चाहिए? पी बाई क्यू के रूप का होना चाहिए, यानी कि पी बाई क्यू के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 जो है क्या है, बराबर है पी अपान क्यू के, ठीक है, मान लिया। और जहाँ पे जो है लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ क्या, जहाँ पी और क्यू क्या होंगे, पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और जहां क्यू जो है क्या है, बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो यह जो है क्या है, एक जो है परिमेय संख्या है। अब दोस्तों देखिए, सहअभाज्य संख्या वे होती है जिसका मॉस या सी एफ अगर निकाला जाए ना, एच सी एफ मैंने, अगर पी और दू गो पी और क्यू अगर सहअभाज्य संख्या है तो इसका मॉस हमेशा और हमेशा एक आएगा, ठीक है ना। एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य संख्या नहीं आएगा, ठीक है। और इसको ये भी हम लोग कह सकते हैं कि पी और क्यू में इनके स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुण, अन्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मैंने पी और क्यू का कोई कामन संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उभयनिष्ठ संख्या नहीं होना चाहिए। अगर पी और क्यू का उभयनिष्ठ संख्या मिल गया तो समझिए कि यह जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो यही हम लोग को देखना है कि क्या पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ संख्या मिलता है। अगर उभयनिष्ठ संख्या मिलता है तो यह जो है परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता है, तब यह जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन हम करेंगे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, चूंकि रूट को हटाने के लिए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे बराबर पी अपान क्यू का वर्ग करेंगे, ओके। अब जो है अंडर रूट 5 का अगर वर्ग करते हैं तो देखिए वर्ग से ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 5 बराबर। अब यहाँ पे देखिए पी अपन क्यू का वर्ग करेंगे तो पी का भी वर्ग हो जाएगा और क्यू का भी वर्ग हो जाएगा। अब जो है इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग क्यू स्क्वायर को इसमें गुणा कर देते हैं, क्योंकि पक्ष क्रॉस गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस गुणा करने पर जो है क्यू स्क्वायर का जो है 5 में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, ओके। 5 मैंने इसका जो है इसमें क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है हम लोग इसको जो है हम लोग इंगित करता है क्या, यह इंगित करता है, और इसको समीकरण नंबर 1 जो है हम लोग मान लेते हैं, सवाल में काम आएगा, ठीक है। तो यह जो है आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए जो दोस्तों, अगर पी इंटू क्यू का स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर के, इसका मतलब है कि यह पी जो है इसको विभाजित करेगा, 5 5 जो है क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। ऐसा होता है अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो क्लियर है कि इसमें से कोई ना कोई इसको ज़रूर विभाजित करेगा,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 5 जो है क्या कर रहा है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, 5 जो है क्या करेगा, पी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा। यह जो है प्रमेय आपका 1.3 किताब में दिया गया है। तो 5 जो है पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ओके, 5 पी को भी विभाजित करेगा। अगर अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 अगर पी को विभाजित कर रहा है तो हम लोग जो है पी बराबर लिख सकते हैं 5c, पी बराबर लिख सकते हैं 5c। ठीक है, और यहाँ पे ही लिख दीजिएगा प्रमेय 1.3 से। ठीक है, प्रमेय 1.3 दिया हुआ है कि यदि पी कोई कोई ए वर्ग को मैंने कोई वर्ग संख्या को विभाजित कर रहा है 5, या कोई भी संख्या मैंने कोई संख्या वर्ग संख्या को विभाजित कर रहा है, तो उसके एक संख्या को भी विभाजित करेगा। यह नियम है, यह प्रमेय सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो है यदि 5 पी को विभाजित करता है तो 5 बराबर हम पी बराबर मान सकते हैं 5c। माने जैसे देखिए प्रमेयिका से, अगर 5 विभाजित करता है पी को तो मान लीजिए कि भागफल आपका क्यू आ सकता है, ठीक है, या सी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और रिमाइंडर विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 0 होगा। तो इस पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं इतना गुणा इतना लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए पी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 5c, या जो है 5q लिख सकते हैं, ठीक है, या 5c लिख सकते हैं, कोई अन्य संख्या लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो माना कि भाग देने पर सी आ रहा है, कोई भी अन्य संख्या अपरिचित जो है आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पी बराबर मान लेंगे 5c। ठीक है, और जहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ जहाँ जो है सी क्या है, सी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जहाँ सी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो सी एक पूर्णांक संख्या है। अब दोस्तों अगर हम लोग जो है जहाँ पी बराबर अगर 5c है, तो पी के जगह पे समीकरण नंबर 1 में जो है हम लोग रख सकते हैं 5c। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में जो है रखने पर यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो है अब समीकरण अब समीकरण अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पी बराबर 5c रखने पर अब इसको रख देते हैं समीकरण 1 में। तो अगर इसको हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 यही है ना, तो समीकरण 1 में रखते हैं पी बराबर 5c, यानी कि 5q का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 5c का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5q का स्क्वायर, तो 5q का स्क्वायर रहेगा बराबर, ये हो जाएगा 5 5 25 और c का वर्ग। ओके, अब 5q² + 25c का वर्ग, तो 5 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो q² बराबर ये हो जाएगा 5 25 / 5 c का स्क्वायर, 5 5 25 5 हो जाएगा, यानी कि q का स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। अगर इसको इधर ट्रांसफर करें तो यानी कि 5q² को विभाजित करेगा करेगा ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 5 जो है क्या करेगा, q² को विभाजित करेगा, वो विभाजित करेगा। इसमें लिखना ज़्यादा है दोस्तों, और दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को डॉक्टर मनोहरे के भी गणित के सभी सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप लोग डॉक्टर मनोहरे का भी गणित अगर पढ़ रहे हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। वैसे
सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विज्ञान के हिंदी के भी जो है बताए गए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर को जो है विभाजित करेगा करेगा जब ऐसा कंडीशन होता है तो करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 5 जो है क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, ऐसा प्रमेय है, विभाजित करेगा। और ये प्रमेय हो जाएगा आपका प्रमेय 1.3, आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है प्रमेय 1.3 से हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो है यह क्या है, अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यही देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ए और बी, चूँकि चूँकि पी और क्यू का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यह जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हम पहले ही कहे हैं कि पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो इसके जो है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 5 जो है क्या है उभयनिष्ठ हो जा रहा है, इसलिए यह जो है क्या है परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से, 2 से हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं कि पी और क्यू, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। ठीक है, जो कि हमारी कल्पना के विरोधाभास है, ठीक है, क्योंकि पी और क्यू का जो है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक एक्सीएफ होने का मतलब कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, जबकि 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो है, परंतु यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पे लिख सकते हैं, परंतु लिख सकते हैं कि यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास है विरोधाभास है कि पी और क्यू का, पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना ही गलत है कि यह एक जो है क्या है परिमेय संख्या है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना क्या है जो हमने माना है कि यह एक परिमेय संख्या ही गलत हो रहा है, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है, गलत है, ठीक है। अतः जो हम लोग लिख सकते हैं कि √5 हो, चाहे √3 हो, चाहे √2 हो, चाहे √7 हो, ठीक है ना,
इन सब के लिए हम लोग लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आप लोग मत लिखिएगा, समझाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना, कि अंडर रूट फाइव एक जगह, मैंने अंडर रूट फाइव चाहे अंडर रूट थ्री चाहे अंडर रूट टू कुछ भी दिया गया हो इस टाइप का, तो हम लोग ऐसे ही सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अंडर रूट फाइव एक जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आशा और विश्वास रखते हैं कि आप लोगों को यह सवाल जो है पूरा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आता है तो इस चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों पर डे आप लोगों को इसके प्रश्नावली के सवाल मिल रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।